हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 12 मेडिकल वालों के लिए वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन, परीक्षा के लिए ललन टॉप क्वेश्चन आ चुका है। आपके पेपर में इस क्लास से क्वेश्चन छपने की गारंटी है। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन सलेक्शन होगा यहीं से। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 31 तारीख को यही आएगा, क्लास को सभी लोग रेगुलर अंत तक देखेंगे। चलिए, सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पैरामेडिकल में पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना ग्रहण किया था, बताइए कब ग्रहण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया, सही जवाब होगा लाहौर अधिवेशन में। याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पैरामेडिकल में पूछा हुआ प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट और तिलक द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एक धमाका ऑफर चल रहा है। पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का क्रैश कोर्स आ चुका है। अंतिम 12 दिन होगा जबरदस्त। क्रैश कोर्स 22 जुलाई से शुरू होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, यानी कि 8 दिनों में, 8 या 9 दिन जो भी हो, 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि करीब 9 दिन, यानी 9 दिनों में आपका पूरा क्रैश कोर्स समाप्त कर दिया जाएगा। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं, क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कम फी रखा है पूरे बिहार के स्टूडेंट के लिए। सभी क्लासेस का पीडीएफ, 30 प्रैक्टिस सेट, 1 घंटे का प्रतिदिन पूछताछ, स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा। परीक्षा में अच्छे मार्क्स के लिए हमारे द्वारा आपको बूस्टर भी प्रदान किए जाएंगे। कैसे स्कोर को बढ़ाना है सब कुछ बताया जाएगा। प्रतिदिन टेलीग्राम पे आपका इतना सारा क्वेश्चन, प्रत्येक दिन कम से कम 500 से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है वहां पे, यानी सिलेक्शन होगा क्यों नहीं भाई, सिलेक्शन की पूरी गारंटी लेते हैं हम। कोर्स लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके 951 का पेमेंट, मात्र 51 रुपये का पेमेंट करके आप कोर्स को ले सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ 1 दिन के लिए है, 22 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो सभी लोग जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए। मात्र 51 रुपया में करें क्रैश कोर्स की संपूर्ण विषय की तैयारी। पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन सफलता मिलेगी यहीं से। पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन सिलेक्शन होगा यहीं से। मत रहो कि किसी के चक्कर में, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है राठौर बाबा के टक्कर में। चलिए, आपका सिलेक्शन हमारी पहचान है, पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022। सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रैश कोर्स मात्र 51 रुपये में आपको सभी विषय का नोट्स, क्लास पीडीएफ, ईबुक, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन डिस्कशन सब कुछ मिलेगा मात्र 51 रुपये में। तो सभी लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आज तारीख है 21 जुलाई, कल तारीख होगा 22 जुलाई। आप लोग 22 जुलाई शाम तक पेमेंट करके किसी भी प्रकार से ज्वाइन कर लीजिए, आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं हम। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। भूदान आंदोलन, यह भी प्रश्न पैरामेडिकल में पूछा हुआ है और यह प्रश्न आपके पेपर में भी छपने की पूरी गारंटी है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया, विनोबा भावे, कोई नहीं है टक्कर में। अगर प्रश्न नहीं छपा तो पढ़ाना छोड़ देंगे हम। चलिए, मत रहो किसी के चक्कर में। चलिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर, उसको तो जानते ही हो कमीने को। जनरल डायर वाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी थी, उसकी हत्या हमारे उधम सिंह ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उधम सिंह ने जनरल डायर यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो उत्तरदायी था, उसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और पैरामेडिकल में पूछा हुआ प्रश्न, जितना भी करवा रहे हैं सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछ रखा है। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां थी बाबू? ऑप्शन सी कोलकाता, यानी कोलकाता थी। ठीक है, याद रखिएगा। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। क्लास होगा, हाँ हेलो, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए आप लोग। सही है, आप बोलिए। हेलो, जल्दी से। गुड इवनिंग सर। जी, 5 मिनट में होगा, 1-2 मिनट में होगा।
ठीक है ठीक है, चलिए बताइए 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। चलिए टेस्ट करवा देते हैं, सभी लोग टेस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, है ना, इसलिए टेस्ट करवा देते हैं। चलिए टेली ये पैरामेडिकल का ही टेस्ट होने वाली है, तो आप लोग भी धमाका मचा दो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके, क्योंकि टेस्ट क्रैश कोर्स में ही धमाका हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, बहुत बड़ा धमाका होगा इस वर्ष। चलिए मात्र 51 रुपया में आपका सिलेक्शन होगा इस वर्ष, मत रहो किसी के चक्कर में, क्योंकि सबसे कम फी और सबसे बेहतर कंटेंट आपको यहीं पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को रखा गया है। गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इतना कम फी, तो नॉर्मल फी है, बहुत कम फी है, इतना फी पेमेंट के क्रैश कोर्स कर सकता है। अंतिम 9 दिन होगा जबरदस्त। चलिए भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करता है बताइए, भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करता है बता दीजिए, भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करता है। चलिए बिल्कुल सही ऑप्शन है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है, भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है बता दीजिए, भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी है। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, दिलगार्डन गार्डन हो गया, महान्यायवादी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन सिलेक्शन वाला फीलिंग मिलेगा यहीं से, मत रहो किसी के चक्कर में। चलिए अब नहीं है कोई राठौर बाबा के टक्कर में। चलिए बिहार का नंबर 1 सिलेक्शन बैच हमारा था और सबसे ज्यादा सिलेक्शन पिछले वर्ष हमने ही दिया था। चलिए अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है, चलिए अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12 याद रखिएगा। चलिए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, यह प्रश्न आपके टेलीग्राम पे टेस्ट में आया है। चलिए इसलिए सभी लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो बाबू, क्योंकि सिलेक्शन तो यहीं से होगा। चलिए स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिनको भी ज्वाइन करना है नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा उस पर व्हाट्सएप करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट है भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोधी चुने गए थे, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोधी चुने गए थे, सही होगा ऑप्शन सी नील संजीव रेड्डी। चलिए संविधान में भारत की व्याख्या है, संविधान में भारत की व्याख्या है, सही होगा ऑप्शन बी राज्यों के संघ के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है, शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है, सही होगा संसदीय सरकार का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले महाधमाका ऑफर चल रहा है, अगर आप भी इस वर्ष 100% सफलता की गारंटी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स को खरीद सकते हैं, पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022, आपकी सफलता हमारी पहचान, महाधमाका ऑफर चल रहे हैं। नोट्स की विशेषता थोड़ा सा जान लीजिए, इसमें आपको सभी विषय का नोट्स पैरामेडिकल का मिलेगा, 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी, सभी विषय समान ज्ञान विज्ञान गणित समान हिंदी इंग्लिश यानी ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा 99 रुपये में। तो जिनको भी नोट्स लेना है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट्सएप करके नोट्स खरीद लीजिएगा, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री यूनियन कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य हैं बताइए, सभी सदस्य हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने में निषेध करता है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषेध करता है, सही होगा ऑप्शन सी 52वां याद रखिएगा 52वां। चलिए रितेश कुमार हाँ हेलो 52वां हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 16 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन से भूमिबद्ध है, आप बोलिए जल्दी से, हाँ हाँ बोलिए ना आप बोलिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन भूमिबद्ध है, चलिए जल्दी से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बिहार, ठीक है बिहार इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बोलिए जल्दी से हेलो बोलिए आप बोलिए, नहीं नहीं बोलिए बोलिए जल्दी से, बिजी हम हमेशा है, बोलिए। नहीं नहीं आओ मिलेगा ना, ग्रुप में ज्वाइन हो ना, क्रैश कोर्स में अभी टेस्ट हो रहा है तो तुम कॉल किए हो, हाँ तो टेस्ट दो, टेस्ट दे नहीं रहे हो, टेस्ट दो।
चलिए बताइए, दमन और दीव को कौन अलग करती है? सही हो जाएगा ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है या गुजरती है? निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है या गुजरती है? सही होगा ऑप्शन डी, कर्क रेखा, याद रखिएगा कर्क रेखा। चलिए भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु है उष्ण का होगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु। चलिए 20 है, विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? सही होगा ऑप्शन डी, अवशिष्ट पर्वतों। 21 की ओर बढ़ते हैं, महाधमाका ऑफर चल रहा है बाबू, जो लोग नोट्स नहीं खरीदे हैं खरीद लीजिए, आखिरी ऑफर है, आखिरी बार होगा जबरदस्त। आखिरी बार होगा जबरदस्त, देख लीजिए, मुझे खांसी भी आ गया, यानी सिलेक्शन तो यहीं से होगा भाई, बिल्कुल सिलेक्शन यही नोट्स से होगा, इसलिए आप लोग नोट्स खरीद लीजिए, जो लोग नहीं खरीदे हैं मात्र 99 रुपया लग रहा है नोट्स का, नोट्स खरीद लीजिए और इसी वर्ष अपना माँ पिता का सपना पूरा कर दीजिए। 95 70 64 25 12 पर व्हाट्सअप करके नोट्स खरीद लेना, 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी, वो छोड़ो आपका सिलेक्शन की पूरी गारंटी लेता है राठौर बाबा, सभी विषय का नोट्स मिलेगा। चलिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21 है, भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? सही होगा पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए राजमार्ग नंबर 8 में निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? बताइए राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? सही होगा ऑप्शन सी, दिल्ली और मुंबई को, याद रखिएगा दिल्ली और मुंबई को, दिल्ली और मुंबई को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले, पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा का क्रैश कोर्स जो ज्वाइन नहीं किए हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, अभी धमाका ऑफर चल रहा है, पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन सिलेक्शन कोर्स लोगे यहीं से, मात्र 51 रुपए में आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, क्लास पीडीएफ, टेस्ट पीडीएफ, टेस्ट होगा, क्लास पीडीएफ मिलेगा, प्रतिदिन टेलीग्राम पे डिस्कशन क्लासेस, डॉट सेशन, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा, 30 प्रैक्टिस सेट, स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन, परीक्षा में अच्छे मार्क्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, बूस्टर कोर्स लेने के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 है, बंबई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? बंबई एवं थाने के मध्य, बंबई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1853 ईस्वी में, याद रखिएगा 1853 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है बाबू? ऑप्शन डी, पेरेम्बूर में, पेरेम्बूर में, याद रखिएगा ये भी पैरामेडिकल में पूछा हुआ प्रश्न है, और जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए, मात्र 51 रुपया लग रहा है क्रैश कोर्स का, इसमें आपको सभी क्लास मैराथन मिलेगा, सभी विषय का मैराथन क्लास होगा, क्लास का पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट होगा, स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन किया जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, मत रहो किसी के चक्कर में, क्योंकि राठौर बाबा के टक्कर में कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मत रहो किसी के चक्कर में बाबू, पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन सिलेक्शन लोगे यहीं से, गारंटी रखो। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल व्हील कहां स्थित है? सही होगा ऑप्शन ए, भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद में। तो हम लोगों ने मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करंट अफेयर, सॉरी जीके यानी सामान्य ज्ञान का 25 कर लिया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में यहां से कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।